नमस्कार दोस्तों आपके लिए सीनियर एम आई एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आ गया हूं तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत आपका सच्चा साथी ही सच्चा हम सफर और आप देख रहे हैं अब जी जी टेक्निकल फोरम दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक एक्सल एडवांस एक्सल पावर बी एंड पावर क्यूरी सीखने के लिए तो आइए अपनी वीडियो की ओर मूव कर लिखा है फाइंड आउट इम्प्लॉय नेम सिटी प्रोडक्ट एंड सेल्स क्वान्टिटी अगेंस्ट एम्प्लॉय कोड एट वंस यानी ये हमारा एम्प्लॉय कोड है इसके अगेंस्ट में हमें नेम सिटी प्रोडक्ट सेल्स क्वांटिटी को फाइंड करना है और ये मेन डेटा है हमारा तो हम जानते हैं कि वी लुकअप फॉर्मुला इसके लिए होता है एग्जैक्ट या इंडेक्स मैच तो इसे हम वी लुकअप के द्वारा करेंगे आइए समझते हैं तो यहाँ हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे इक्वल टू वी लुकअप ठीक है लुकअप वैल्यू हमने इसे लिया ठीक है आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल वी लुकअप से आ जाएगा लेकिन ऐसा होने वाला कुछ नहीं है अभी देखिए इंटरव्यूअर आपको कैसे फंसाता है आपके माइंड के एबिलिटी को कैसे चेक करता है इसे आप ध्यान से समझिए ठीक है उसके बाद क्या करेगा टेबल एरिया हम मान लीजिए हमने यहाँ से और यहाँ पूरा टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया ठीक है अब हमने यहाँ करली ब्रैकेट में दे दिया क्या क्योंकि हमें चाहिए टू दूसरे कॉलम पर नेम है तीसरे पे सिटी है चौथे पे प्रोडक्ट है और पाँचवें पे, पे सेल्स क्वान्टिटी तो हमने दे दिया यहाँ क्या करली ब्रैकेट में दिया टू कॉमा थ्री कामा फोर कॉमा फाइव राइट कर ली ब्रैकेट बंद इतना हमने किया कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए ज़ीरो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर ठीक है इसको हमें पूरा सिलेक्ट करके फॉर्मुला अप्लाई करना था क्योंकि हमें एक बार में लाना है सारा तो अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं बस इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर तो ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया लेकिन अब देखिए जीरो आ रहा और जीरो आ रहा यहाँ नहीं आ रहा अब देख रहे हैं ऐसा क्यों दूसरे कॉलम पे नेम था तो नेम हमारा आ गया लेकिन सिटी नहीं आया जीरो आया ऐसा क्यों क्योंकि हमने टू कॉमा थ्री देखिए थ्री तो तीसरे कॉलम देखिए हाइड है आप देख रहे हैं सी के बाद ई है ये हाइड है।, है तो इसी तरह हमारा देखिए चौथे कॉलम पर क्या था सिटी लेकिन चौथे में देखिए प्रोडक्ट में आ गया सिटी तो आप देख रहे हैं रिजल्ट पूरा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसने कॉलम हाइड कर दिया है इस तरह इंटरव्यू आपको फंसाता है इंटरव्यू में ठीक है तो यहाँ हम करेंगे क्या ध्यान से देखिए दूसरे पे हमारा एम्प्लॉय नेम है तीसरा हमारा हाइड है चौथे पे हमारा सिटी है पांचवा हाइड है छठ पे पे हमारा प्रोडक्ट है और सातवें पे हमारा सेल्स क्वांटिटी तो हम यहाँ क्या देंगे टू कॉमा फोर ठीक है कामा सिक्स एंड कॉमा सेवन ठीक है एक तो ये तरीका था लेकिन इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है आप ध्यान से समझिए ये तो हो गया आपका नॉर्मल मेथड अगर मान लीजिए यहाँ बहुत सारे कॉलम हाइड है तो आप एक एक करके काउंट तो करेंगे नहीं तो इसके लिए करेंगे क्या हम ध्यान से समझिएगा इस पूरे को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप लुकअप लुक वैल्यू इसे मैंने लिया ठीक है टेबल अरे में हम क्या करेंगे चूच फंक्शन यूज़ कर लेंगे ध्यान से समझिएगा इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे करली ब्रैकेट में देख लेंगे हमारे पास टोटल कितने कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव तो हम लिखेंगे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव करली ब्रैकेट क्लोज ठीक है और वैल्यू वन में हम क्या देंगे इसे हम वैल्यू वन बना देंगे ठीक है वैल्यू टू क्या करेंगे इसे हम वैल्यू टू बना देंगे ठीक है इस कॉमा इसे हम वैल्यू थ्री बना देंगे ठीक है कॉमा इसे हम वैल्यू फोर बना देंगे ठीक है कॉमा इसे हम वैल्यू फाइव बना देंगे ठीक है इतना हमने कर लिया अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट बंद ठीक है अब हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा तो अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर बिंदास कर ली ब्रैकेट में क्या देंगे टू थ्री फोर फाइव टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कर ली ब्रैकेट बंद ठीक है कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है टू वन वन टू सेवन जब आप फाइंड करेंगे देखिए मंजू इलाहाबाद डेस्कटॉप टॉप सिक्सटी टू मंजू इलाहाबाद डेस्कटॉप टॉप सिक्सटी टू तो चूज फंक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है पहले आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं इसका यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ चूज फंक्शन करता क्या है चूज फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी डेटा की पोजीशन है आप उसे अपने अकॉर्डिंग पोजीशन दे सकते हैं तो यहाँ हमने क्या किया आप देख रहे हैं हमने वन टू थ्री फोर फाइव कल्ली ब्रैकेट में लिखा तो ये हमारा वन हो गया ये हमारा टू हो गया ये थ्री फोर फाइव यानी हमने हाइट कॉलम को इग्नोर कर दिया राइट right? और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया वैल्यू को भी ले लिया वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा ये तो अरे हो गया अब हमने देखिए टू टू हमारा क्या था ये क्योंकि हमने चूज फंक्शन का यूज़ करके इसको हमने वन बना दिया इसको हमने टू बना दिया इसको हमने थ्री इसको फोर एंड इसको फाइव तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कॉलम इंडेक्स नंबर भी ले लिया तो हमारा रिजल्ट देखिए आ गया अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे इसके लिए हमको इसे फ्रीज करना होगा ठीक है एफ फोर प्रेस करके हम फ्रीज कर देंगे कंट्रोल स्विप्ट के साथ एंटर ठीक है अब इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया टू वन वन थ्री सिक्स आप देखेंगे तो अभिजीत रांची रिमोट एटी टू अभिजीत रांची रिमोट एटी टू तो कॉन्सेप्ट क्लियर है और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो